तो फाइनली पावर रेंजर्स की तरफ से थोड़ा सीरियस और मैच्योर कंटेंट आने वाला है। पावर रेंजर्स ऑलवेज एंड फॉरएवर एक वेब स्पेशल एपिसोड होने वाला है, जिसके साथ हम लोग पावर रेंजर्स की 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हमें टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा, जहां पर रीटा रेपल्सा समय में पीछे जाकर पावर रेंजर्स को पावर रेंजर्स की पावर्स मिलने से पहले उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगी, और ऐसा करने से उसे रोकने के लिए पावर रेंजर्स समय में उसका पीछा करेंगे। और इस बात के भी काफी चांसेस हैं कि इस एपिसोड के अंदर हमें पावर रेंजर्स के बहुत से पुराने एराज और लोकेशंस देखने को मिले, क्योंकि ये 30th एनिवर्सरी है और बेशक पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स बहुत सारी पुरानी यादें ताजा करना चाहेंगे। इस ट्रेलर के एक सीन के अंदर हमें कोरल हार्बर, रीफ साइड, एस्ट्रो मेगाशिप और टर्टल कोव जैसे बहुत से नाम देखने को मिले, जिनकी वजह से नॉस्टैल्जिया ऑलरेडी हिट कर चुका है। इस एपिसोड के अंदर हो सकता है एडम का सिर्फ एक कैमियो देखने को मिले, क्योंकि हमने क्लियरली देखा था कि वो SPA के साथ काम कर रहा है, और हो सकता है कि इस एपिसोड के अंदर हमें SPA के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जाए। अनफॉर्चुनेटली से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी भी साल के एंड में आने वाले हैं, जो पावर रेंजर्स का 30th सीजन है। तो ऐसे में 30th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये वेब स्पेशल बनाने की जरूरत क्या थी। हालांकि शो का ओवरऑल कॉन्सेप्ट और विलन का जो मोटिव है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नए विलन को इंट्रोड्यूस कराना ज्यादा बेहतर होता, जो इस बात को लेकर अवेयर होता कि उससे पहले भी बहुत से विलन्स पावर रेंजर्स को हराने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहे। तो ऐसे में पावर रेंजर्स से आमने सामने की टक्कर लेने से बेहतर है कि समय में पीछे जाकर पावर रेंजर्स की पहली टीम को ही अस्तित्व में आने से रोका जाए, ताकि पावर रेंजर्स का सिलसिला कभी शुरू ही ना हो पाए और इस दुनिया को आसानी से कॉन्कर किया जा सके, बजाय एक दूसरे विलन को वापस लाने के जिसका स्टोरी आर्क और कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। मतलब हमने देखा था कि रीटा रेपल्सा का बुरा जादू खत्म हो चुका था और वो आगे चलकर मिस्टिक मदर भी बन चुकी थी, तो इतना अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के बाद उस विलन को वापस लेकर आने का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसा करने से बस कुछ अननेसेसरी प्लॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस की कि ट्रेलर काफी कुछ छुपा रहा है। मतलब ट्रेलर के अंदर 2 या 3 सीन्स ही बार बार रिपीट करके दिखाए जा रहे थे। मिसाल के तौर पर एक वो माउंटेन बैटल वाला सीन और एक वाला सीन जब पावर रेंजर्स एंजल ग्रोव में टेलीपोर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेलर में दिखाई नहीं गई, तो ये ट्रेलर इंटरेस्ट क्रिएट करता है लेकिन ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, जो कि एक अच्छी बात है। ऑल्दो ये देखकर अफसोस हुआ कि पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी और माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के बीच में हमें कोई क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलने वाला। जब ये एपिसोड अनाउंस हुआ था तो मुझे ऐसा लगा था कि कॉस्मिक फ्यूरी और माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स साथ मिलकर काम करेंगे और उनके क्रॉसओवर को ही 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के रूप में दिखाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि पावर रेंजर्स और नेटफ्लिक्स साथ मिलकर कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि ये शो नेटफ्लिक्स के दूसरे शोज की तरह डार्क और मैच्योर ना हो, लेकिन इस पर्टिकुलर एपिसोड की कामयाबी पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स को और ज्यादा यूथ सेंट्रिक और मैच्योर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगी। तो अब हमें बस 19 अप्रैल तक का इंतजार करना है और देखना है कि नेटफ्लिक्स और पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स साथ मिलकर क्या परोसते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इस एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। इस वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। इस वीडियो पर आनर यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।